हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो लेक्चर होने वाले हैं भाई, 3 लेक्चर हैं। एमीन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको नाइट्रोबेंजीन और आइसो नाइट्राइड के बारे में बताया गया था, और आपको बताया गया दूसरे वाले लेक्चर में साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो 2 लेक्चर आपका ख़त्म था, ये तीसरा लेक्चर है एमीन के ऊपर। ठीक है, तो एमीन थोड़ा से आपका बड़ा है, थोड़ा से समझना है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसके यौगिक भी पढ़ने हैं, तो अच्छे खासे एमीन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किस तरीके से क्या होता है जब आपने एक रिएक्शंस देखी होगी, क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, ठीक है, रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इसका मतलब होता है वो लिख के देगा, रिएक्शंस को बताएगा कि ये इसमें इसमें इसको इसमें मिलाया गया है तो क्या होगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखना होता है, तो इस चैप्टर से ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, बात समझ में, कुछ नेम रिएक्शंस इसमें हैं वो भी काम की होती है। ठीक है, जितने नेम रिएक्शंस हैं उसको तो रट्टा मार ही दो भाई, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ें हैं। बात समझ में आ रही है, तो इस पर चलते भाई कि अपना एमीन क्या होता है, एमीन के बारे में समझते हैं कि एमीन कैसे है, कैसे बनाएंगे और इसके यौगिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बात समझ भाई, तो भाई शुरू करते हैं एमीन के बारे में। ठीक है, तो लिख लेना, हेडिंग डाल लेना आप लोग एमीन। ठीक है, एमीन लिखना है, तो एमीन क्या होता है भाई, नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट होता है किसके द्वारा, किसी एल्किल समूह के द्वारा। बात समझ में आ रही, एल्किल समूह या एरिल समूह, उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में, एरिल समूह का मतलब एरोमेटिक। आपने जब हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा एरिल का मतलब होता है कोई बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, यानी कि कोई एरोमेटिक यौगिक को उसके द्वारा विस्थापित हो सकता है, या फिर आर एल्किल समूह के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई, तो लिखना है के बारे में एमीन। एमीन अमोनिया का प्रतिस्थापी 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 क्या होता है भाई, प्रतिस्थापी समूह होता है। ठीक है, अर्थात अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह जिसे आर कहते हैं। ठीक है, या एरिल समूह, एरिल या हेलो एरिन समूह। ठीक है, एरिल या एरिल की बात है। ठीक है, एरिल समूह AR द्वारा द्वारा विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना भाई, बात समझ में आ रही है, क्या बोला गया है, किसी अमोनिया जो हाइड्रोजन है, अमोनिया का जो हाइड्रोजन है वो क्या कर लेता है भाई, अपना एक हाइड्रोजन या एक से अधिक, यानी 3 हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया के पास। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक एक समूह को क्या करता है, एरिल या आपका एल्किल समूह क्या करता है, विस्थापित हो जाता है। जैसे देखो, जैसे जैसे की बात करें, जैसे मेरे पास ये क्या है, अमोनिया है। ठीक है, मैंने क्या किया, आर समूह जोड़ दिया, तब क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बनेगा भाई, RnH2। ठीक है, एल्किल एमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम इसका, एल्किल एमीन। ठीक है, अब इस कंडीशन में होगा जब NH2 एक किसी एक आ, आ, क्या कहते हैं इसको, एरिल समूह या एल्किल समूह से जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन बोलेंगे। बात को ध्यान रखना, यही भी समझ जाते हैं, वर्गीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ठीक है, उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ में आई। यानी कि एक और हाइड्रोजन निकाल दे, अभी 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन निकाल दे, इसका मतलब एक और एल्किल समूह जोड़ दे और एक हाइड्रोजन निकाल दे, तो क्या बनेगा भाई, R2
NH, यही बचेगा R2NH। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कैसा भाई ये NHRR। जब ऐसा समूह आए, ऐसा समूह आए तो इसको बोलते हैं डाई एल्किल, डाई एल्किल एमीन। कह लेंगे भाई दो एल्किल है, डाई एल्किल एमीन, ये वाला जो है वो सेकेंडरी होगा। क्या होगा? क्योंकि एक नाइट्रोजन दो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ, यानी दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? ये दो एल्किल सेकेंडरी एल्किल हो जाएगा, बात समझ में आ रही? सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। इसी सेकेंडरी एमीन को क्या करो भाई, एक और हाइड्रोजन बचा हुआ इसको निकाल दो, और एक हाइड्रोजन को निकाल दो, आर को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा भाई आर थ्री एन हो जाएगा, हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, ट्राई ट्राई एल्किल, ट्राई एल्किल एमीन, और ये क्या होगा थ्री डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? थ्री डिग्री होगा, तो इसको बोलते हैं इस तरीके से, क्या कर सकते हैं हम, एमीन का, जिसमें सभी एमीन है, क्या है, सभी एमीन ही, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। बात समझ में आ रही है ना? तो सारे काम यहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम वर्गीकरण नहीं करने जाएंगे, क्योंकि आप वर्गीकरण पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे भाई, लंबा चौड़ा हो जाता है, कुछ ज्यादा मतलब नहीं, सिखाना यही होता है हमको कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। बात समझ में आ रही है ना? तो समझ गए हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो पीछे से पढ़ते आ रहे हो। देखो जब भी स्ट्रक्चर क्या होगा, जब अमोनिया क्या होगा भाई, ये NH2 ऐसे समूह होगा, ऐसा समूह होगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। बात समझ में आ रही है? यदि ये समूह कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से किसी भी कार्बन से जुड़ा हो, एल्किल कार्बन से जुड़ा हो या फिर एरोमेटिक कार्बन से, यानी कि एरिल समूह से जुड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये वाला स्ट्रक्चर होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी। बात समझ में आई? यदि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है तो इसको बोलेंगे टर्सरी एमीन। क्या बोलेंगे? टर्सरी एमीन, यानी कि थ्री डिग्री एमीन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? बात पते की है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं, समझते हैं भाई कि ये एमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है, तो बार बार इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही? इस तरीके से लिख लो इसको, क्या करो भाई, लिख लो फटाक से। अब थोड़े से एमीन की संरचना देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इनके नाम के ऊपर। ठीक है, नाम के ऊपर कॉमन नाम भी देखेंगे वहाँ पे, और हम देखेंगे IBC नाम भी देखेंगे। फटाक से लिखो भाई इसको, फटाक से आप लिख लो। हो गया? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको रफ करके अब संरचना थोड़ा से देखते हैं, एमीन की संरचना देखते हैं कि एमीन की संरचना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि एमीन की संरचना बताइए, समझाइए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो लिखना एमीन की संरचना। ठीक है, एमीन की संरचना देखनी है तो क्या होता है भाई, एमीन के अंदर क्या होता है, एमीन है, कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी टर्सरी हो, तीन ही होते हैं, तो लिखेंगे कोई भी एमीन हो कोई दिक्कत नहीं, सबकी संरचना सेम होती है। ठीक है, तो लिखना क्या लिखोगे भाई, एमीन में नाइट्रोजन क्या होता है भाई, sp3 संकरित होता है, अतः इसकी ज्यामिति कैसी होगी भाई, ज्यामिति जो होती है चतुष्फलकी होती है, क्या होती है, चतुष्फलकी होती है, परंतु
संरचना क्या होता है भाई, यानी कि चतुष्फलकी क्या होती है, ज्यामिति होती है, लेकिन संरचना जो होती है वो क्या होती है, संरचना पिरामिडी होती है। बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल अमोनिया के समान होती है। क्या होती है, अमोनिया के समान होती है। बस अमोनिया में क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटाया मैंने, क्या लगा दिया, आर लगा दिया, तो रहेगा तो वही भाई, रहेगा तो वही। बात समझ में आ रही, पिरामिडी होती है क्योंकि इनमें तीन बंद युग्म, तीन बंद युग्म तथा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। कोई भी अमोनिया ले लो भाई, देखो 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 देखो, मैं तीनों को बना देता हूँ। देखो ये हुआ चतुष्फलकीय, कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा, एक तो लोन पेयर हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म हुआ, यानी उसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर हुआ। दूसरा हुआ आर, यानी प्राइमरी एमीन की बात करें, आर एन एच टू की बात करें, ठीक है। यहाँ पे हुआ आर, यहाँ पे हुआ एच, यहाँ पे हुआ एच। देखो पिरामिड दिख रहा है कि नहीं, पिरामिड दिख रहा है कि नहीं भाई, ये आगे है, ये दोनों पीछे पीछे हैं। बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, देखना समझना भाई, 3D समझना इसको, कुछ इस तरीके से। देखो ये दो पीछे आगे, यदि इन दोनों को क्या कर दोगे, आगे कर दोगे, इन दोनों को आगे कर दो तो ये पीछे होगा, बिल्कुल पीछे होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सीधे लाइन दिखा दिया। कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है, इसलिए क्योंकि ये पीछे है और पीछे हम दिखा नहीं पाएंगे। दिख रहा है पीछे, दिख रहा है ये दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से। देखो सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, हाँ कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यदि चतुष्फलकी की बात करें, चतुष्फलकी की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरीके से चतुष्फलकी होती है, ऐसे लगाओगे तो भी चतुष्फलकी, देखो अब भी चतुष्फलकी, ऐसे लगाए तो भी चतुष्फलकी, ऐसे लगाए तो भी चतुष्फलकी, वही संरचना है, वही संरचना है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, ठीक है, वही संरचना। अब ये क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर संरचना में भाग लेता नहीं है, संरचना में भाग नहीं लेता, लोन पेयर है तो सही, लेकिन संरचना सिर्फ बिगाड़ेगा, बनाएगा नहीं, उससे कोई संरचना बताएंगे नहीं कि ये है तो यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, बस ये बिगाड़ता है संरचना को, इससे रिपेल करेगा, इसको धक्का देगा, इधर इसको धक्का देगा, ये दोनों धक्का देगा, ये दोनों थोड़े से दब जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। तो एक तरीके समझ जाओ, संरचना बतानी हो, जब बतानी हो संरचना, जिसको हटा लिए, हटा लिए तो कैसा दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है ना, एक पिरामिड ऐसे ऐसे तीन दिख रहे हैं ना, तो उसको पिरामिड या तंबू जैसे कहते हैं ना, खड़ा करते हैं ऐसे, उसी तरीके से दिख रहा है, वही है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करना भाई, अब मैं कर दूं क्या, अब बात करता हूं आर टू एन एच के बारे में, ठीक है। अब इनकी संरचना की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम वही तो होगा यार, वही तो होगा, यहां पर लोन पेयर, यहां पर आर, यहां पर आर, यहाँ पर हाइड्रोजन, बस एक जगह हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, वही संरचना तो है। अब मैं बात करूँ किसका, आर थ्री एन की, तो नाइट्रोजन, लोन पेयर, लोन पेयर, यहाँ आर, 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 देखो सेम तो है, सभी में सेम है ना, तो क्या कहेंगे इसे, पिरामिडी संरचना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिरामिडी संरचना हो जाएगी, पिरा मिडी संरचना। बनाया था तो मैंने क्या था, पहली बार बनाया क्या था, मैंने बनाया था चतुष्फलकी, उसी को ज्यामिति कहते हैं, जो एक्चुअल में होता है उसे संरचना कहते हैं या आकार कहते हैं उसका, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो एक्चुअल में ये दिखता है उसे आकार या संरचना कहते हैं, जो इसका कंसीडर किया जाता है कि ये ऐसा होना चाहिए उसे कहते हैं ज्यामिति, जो हाइपोथेटिकल होता है। ये मेरा चतुष्फलकी जो था वो हाइपोथेटिकल, मैंने सोचा कि भाई sp3 संकरण है तो पक्की बात है क्या होना चाहिए,
चाहिए, आपका होना चाहिए चतुष्फलकी, लेकिन क्या एक्चुअल में चतुष्फलकी है? नहीं, क्योंकि लोन पर आने की वजह चतुष्फलकी बिगड़ जाता है। देखो चतुष्फलकी से बिगड़ के आया, अब ये बन गया क्या आपका, बना पिरामिडी बन गया। क्या बन गया? पिरामिडी बन गया। बात समझ में आ रही? इस तरीके से इनकी क्या करेंगे, संरचना की व्याख्या करेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। अब आगे हमें पढ़ना है जो है इसका नामकरण पढ़ना है कि क्या होगा, इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। पहले तो सामान्य नाम की बात करेंगे, फिर उसके बाद आईपीसी नाम की बात करेंगे, किस तरीके से इनके नाम को राइट डाउन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं इनके नाम की तरफ। हो गया भाई, हो गया हो तो चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात है? चलो अब नामकरण के ऊपर चलते हैं। एमीन का नामकरण, ठीक है। तो नामकरण के पहले साधारण नाम के ऊपर, पहला साधारण, देखो भाई सीधे सीधे नाम लिखने के लिए क्या करना, एल्किल समूह प्लस में एमीन, क्या लिखेंगे, एल्किल समूह। नाम के लिए क्या करेंगे भाई, साधारण नाम में सीधे लिखना एल्किल प्लस में एमीन, सीधी बात, कोई कुछ नहीं लिखना है। यदि एल्किल की संख्या होगी 2, 3, 4 तो उसकी संख्या आगे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे लिखना है, जैसे मैंने बोल दिया भाई क्या CH3, जैसे लिखना CH3NH2, तो क्या नाम होगा भाई, क्या नाम होगा, एक एक है तो क्या लिखेंगे, मेथिल मेथिल एमीन, बात खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। अभी मैं लिख दूं क्या, CH3 CH2 NH2, तो क्या नाम हो जाएगा भाई, एथिल एथिल एमीन। बात समझ में आ रही है ना, सीधी सीधी बात है, सीधा बात है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्या लिख दूं मैं लिख देता हूं भाई CH3 CH2 NH CH3। अब बताओ अब क्या नाम होगा, यहाँ पर देखो दो ग्रुप है, कितने ग्रुप है, दो श्रृंखला है, एक श्रृंखला ये है एक श्रृंखला ये है, तो दोनों का नाम लिखेंगे, दोनों का एल्किल का नाम ही लिखेंगे। क्या करेंगे, साधारण नाम लिख रहे हैं ना, तो दोनों का एल्किल का नाम ही लिखेंगे, बात को ध्यान रखना, क्या रखेंगे, दोनों को एल्किल का नाम ही देंगे। इसमें एल्किल का कितने एल्किल है, दो एल्किल है, एक मेथिल समूह है और एक एथिल समूह है। तो इसमें नाम लिखते वक्त पहले किसको लिखेंगे, जिसका अल्फाबेट में पहले आता है ई, ई क्या होता है पहले आता है, एथिल में ई होता है, ई पहले आता है, तो ई को पहले लिखेंगे, एम को बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, एथिल मेथिल एथिल मेथिल और क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एमीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे लिख लेंगे। यदि मैं कहूं CH3 NCH3 CH3, क्या नाम पड़ जाएगा भाई, तीन देखो अलग अलग है, 1, 2, 3 तीनों अलग अलग श्रृंखला है, तीनों मेथिल मेथिल है, क्या है, मेथिल है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई तीन बार है तो क्या लिख देंगे, ट्राई मेथिल एमीन। समझ में आई बात है? इसी को क्या कहते हैं भाई, सेकेंडरी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, टर्सरी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं, इसे भी क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। समझ गए? इस तरीके से भाई नाम लिख लेंगे इनका कॉमन नाम, क्या होगा ये सभी कॉमन नाम होगा। आईपीसी नाम के ऊपर चलते हैं आगे, कि आईपीसी नाम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आईपीसी लिखने के लिए आप जानते ही हो, सारी चीज़ें जानते हो, बस वहाँ से एल्केन के समूह से क्या करेंगे, ई हटाएंगे, एल्केन के नाम से ई हटाएंगे, एमीन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, एल्कानेमीन हो जाएगा, ठीक है, एल्कानेमीन हो जाएगा।
बात समझ में आई, एल्कानोमीन हो जाएगा। तो उसी को लिखना है, उसी को समझना, तो फटाफट से इसको लिखो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, लिखो फटाक से इसको। चलिए भाई हो गया है, तो इसको करते हैं रफ, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। साधारण नाम तो हो गया आपका, अब IUPAC नाम देख लेते हैं इसका। देखिए लिखिए दूसरा IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC नाम है जिसको लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसका नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले तो आप जानते हैं पूर्व लग्न लिखते हैं, पूर्व लग्न, फिर उसके बाद मूल शब्द, फिर उसके बाद अनुलग्न। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पहले ये काम करते हैं। ये तो होगा ही होगा, यदि पूर्व लग्न ना हो, क्या हो, पूर्व लग्न आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मूल शब्द है, तो क्या लिखेंगे, मूल शब्द में क्या होता है, एल्केन का नाम लिखते हैं, एल्केन। तो मैं इसका अंग्रेजी से लिख रहा हूं, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एल्केन, एल्केन का ई हटाएंगे, क्या हटाएंगे, ई हटाएंगे और एमीन जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एमीन जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा भाई, आपका बनेगा एल्केनमाइन। हो जाएगा एल्केनमाइन हो जाएगा। ठीक है, या एल्कामीनी, एल्कानामीन हो जाएगा, एल्कानामीन हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे एल्कानामीन। ठीक है, बात समझ में, इस तरीके से जैसे जैसे कि नाम के ऊपर आ जाए, आपके पास है CH3 CH2 CH2 NH2, क्या नाम भाई इसका, 1 2 3, तीन का नाम का क्या है, कार एल्केन है, एल्केन तीन कार्बन का, तो एल्केन में क्या होता है, ई हटाएंगे तो क्या होगा, तीन कार्बन का नाम प्रोपेन, प्रोपेन के साथ क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपानमीन हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रोप, ANE होता है, ई हटाएंगे क्या जोड़ देंगे, AMINE, प्रोपानमीन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपानमीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कैसे लिखा जा रहा है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, समझ गए, बात समझ रहे हो ना भाई, देखो आगे देख लो, कुछ और देख लो, जैसे CH3 CH2 NH2, क्या नाम हो जाएगा भाई, एथेन हो जाता है इसका, एथेना ऐसे लिखा, एथेना मीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, कैसे लिखा जा रहा है, एथेना मीन हो जाएगा। किस तरीके से भाई, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ गए कैसे लिखा जा रहा है। हाँ, ये तो सामान्य नाम की तरह, कैसे है, सामान्य नाम की तरह है, जब ये तो प्राइमरी की बात कर रहा है, जब सेकेंडरी आएगा तो कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी आएगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो सेकेंडरी के ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले को रफ कर दे, फटाक से लिख लो भाई, फटाक से लिखो, फिर उसके बाद इसको करते हैं रफ, क्या करते हैं रफ। चलिए बढ़ते हैं, देखना यदि ये पूछ रहे आपसे CH3 CH2 NH CH3, अब क्या करोगे आप,
क्या करोगे भाई? यदि अब एक बात समझना है, इसमें क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या करना है, यदि ये नंबरिंग अपनी कार्बन श्रृंखला हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच बन जाएगा, और ब्रांच बनेगा तो पूर्व लग्न होगा, वो पहले आ जाएगा नाम से, ठीक है, एल्केन के नाम से पहले, तो ये वाला लगेगा। फिर क्या लगेगा, पूर्व लग्न लिखेंगे, फिर मूल शब्द, फिर अनुलग्न। तो क्या है, दो कार्बन की श्रृंखला सबसे बड़ी है, तो कार्बन श्रृंखला बड़ी खोजेंगे तो एक दो दो कार्बन की मिला, इसे पूर्व लग्न मान लेंगे। तो क्या होगा भाई, ये पूर्व लग्न का मतलब क्या, CH3 है तो मेथिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेथिल एन मेथिल लिख देना। क्या लिख देना, एन मेथिल, यानी कि एन मेथिल का मतलब होता है, नॉर्मल लिख दोगे तो इसका मतलब मेथिल कहीं इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जुड़ा किससे, नाइट्रोजन से। ये मेथिल जुड़ा किससे, नाइट्रोजन से, यही बता रहा है कि एन मेथिल, एन का मतलब नाइट्रोजन के परमाणु से जुड़ा हुआ है। एन मेथिल तीन का, दो कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप, सॉरी ब्यूट होता है, सॉरी एथ होता है, एथना मीन हो जाएगा। क्या यही नाम हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथेना मीन। समझ गए बात, बात समझ जा रहा है ना कैसे लिखा जा रहा है, इसको क्या कर देंगे, पूर्व लग्न कर देंगे। जैसे देखो दूसरा, देखो CH3 CH2 CH2 एंड CH2 CH3 CH3। अब देखना भाई, यहाँ पर क्या है, तीन तीन है, एक दो तीन, इधर एक श्रृंखला इधर जा रही है, एक श्रृंखला एक दो इधर जा रही है, एक श्रृंखला इधर है, तीन श्रृंखला है, तो इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला जो होगी वो एल्केन का नाम जाएगा। क्या होगा, एल्केन यानी मूल शब्द बनेगा। क्या होगा भाई, मूल शब्द, उसके बाद जितनी भी श्रृंखला कार्बन की बचेगी उसे हम पूर्व लग्न मानेंगे। क्या मानेंगे, पूर्व लग्न। तो सबसे बड़ी श्रृंखला कौन है इसमें, एक दो तीन, यही सबसे बड़ी है, ये तो दो है, ये एक है, तो अनुलग्न क्या है इसका, ये एमीन, क्या है एमीन इसका अनुलग्न है, तो वो बाद में लिखेंगे। तो पहले तीन कार्बन का नाम है, तो इससे पहले क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न। अब ये क्या है, एथिल है, क्या है, एथिल है, ये क्या है, मेथिल है, तो एम पहले आता है या फिर ई आता है, ई पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, एन एथिल। बात को ध्यान रखना, एन एथिल कहने का मतलब है ये एथिल समूह है, इससे जुड़ा है। हो सकता था मैं एथिल समूह कहीं इसी बीच में जोड़ दूं, जोड़ सकता था ना, तो उस समय एन नहीं लगाते, सिर्फ एथिल लिखते। बात समझ में आ रही है ना, इसका मतलब ये कार्बन श्रृंखला का है, एन एथिल। क्या हो जाएगा फिर, ये मेथिल होगा तो एन मेथिल, एन एथिल एन मेथिल, यानी कि नाइट्रोजन, जो मेथिल समूह है वो भी नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पूर्व लग्न खत्म, फिर तीन कार्बन, तीन कार्बन का नाम क्या हो जाता है, प्रोप। तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेनामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेनामीन हो जाएगा, प्रोपेना मीन हो जाएगा। बात समझे, प्रोप से, प्रोपेन से ई हटाएंगे और एमीन जोड़ देंगे तो प्रोपेना मीन हो जाएगा। बात खत्म हो जाती, बात ऐसे कर लेंगे, ऐसे नाम लिखेंगे। बात को ध्यान रखना, इस तरीके से इनके नाम पूछे जाते हैं। समझ गए, बात समझ में आए ना, एन लगाने का मतलब समझ रहे हो, एन लगाने का मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। कुछ एरोमेटिक का भी देख लेते हैं, क्या करते हैं भाई, कुछ एरोमेटिक कार्बनिकों का भी देख लेते हैं, ठीक है। देखना, जैसे ये रहा अपना बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जोड़ दिया क्या, NH2। तो इसे देखो, सामान्य नाम जो है इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एनिलीन। क्या लिखते हैं, एनिलीन। इसका सामान्य नाम जो है अक्सर इसी से जाना जाता है, एनिलीन से, ठीक है। जब IUPAC बहुत कम जाना जाता है इसका, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ये बेंजीन रिंग है, तो ये कार्बन श्रृंखला हो गई, छह कार्बन श्रृंखला, ये क्या है, NH2 है, तो बेंजामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बेंजामीन हो जाएगा। बेंजानामीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है, कैसे करना भाई, बेंजीन क्या करेंगे, बेंजीन ये रहा अपना, ये क्या हुआ, बेंजीन हुआ, यही होता है ना, ई हटाएंगे, ए जोड़ देंगे, ए एम आई एन ई, क्या हो जाएगा भाई, बेंजी या बेंजे, बेंजेनामीन हो जाएगा, सॉरी बेंजेनामीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बेंजेनामीन हो जाएगा। इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस तरीके से इनका नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा बेंजेनामीन हो जाएगा,
ठीक है। तो क्या करते हैं हम ऐसे नाम लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये नाम पड़ जाएगा। अब मैं कहूं एंड मैं कहूं, इधर देखना, इसका नाम बताना भाई जरा, ये नाम क्या हो जाएगा भाई, ये कार्बन श्रृंखला हो गई छह कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजे, बेंजेनामीन हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, वो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, एन मेथिल हो गया भाई, ठीक है, एन मेथिल हुआ। इसके बाद इसका नाम क्या होता है, बेंजे नामीन, समझ गए, बात समझ में आ रही ना, ऐसे नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे नाम लिखा जाता है इनका। तो इस तरीके से इनके नाम की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो याद रखना इस बात को, कैसे लिखा जा रहा है, ये बात को ध्यान देना। यदि मैं ऐसे लिख दूं तो देखना, NH2 यहां पे जोड़ दूं मेथिल समूह, तो क्या नाम हो जाएगा भाई, मेथिल। इस समय N नहीं लगाएंगे, बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, मेथिल, आर्थोमेथिल, आर्थोमेथिल का मतलब समझते हो ना, आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, ये हुआ अपना ग्रुप, इसके बगल और निकटवर्ती कार्बन क्या होता है, आर्थो, इसके निकटवर्ती कार्बन आर्थो, ठीक है, इसके निकटवर्ती कार्बन मेटा, मेटा पैरा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आर्थोमेथिल, आर्थोमेथिल, एनिलीन भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो बेंजा, बेंजे नामीन लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, एनिलीन भी लिख सकते हो। इसके बाद ये पूरे ग्रुप का नाम क्या लिख सकते हो, इस जो है आर्थोमेथिल हो गया, इस पूरे ग्रुप को लिया क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एनिलीन भी लिख सकते हो या बेंजे नामीन हो सकता है, ठीक है। तो लिख लेना बेंजे नामीन, इस तरीके से, बात समझ में आ रही ना, कैसे नाम लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो नाम एक बार लिखने आ गया तो फटाक से आसान हो जाती, काम बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलते हैं आगे, अब ये तो आईपीएससी नाम हो गया इसका, अब चलते हैं इसकी समावयवता पे, कि इसके अंदर कौन कौन सी समावयवता, कैसी कैसी समावयवता मिल सकती है, पाई जा सकती है, बात समझ में आ रही है, कैसी कैसी समावयवता इसके अंदर हो सकती है या होती है, उन्हीं के ऊपर चर्चा करनी है, समझनी है कि क्या होगी। तो फटाक से पहले इसको लिखो, फिर बात करते हैं आगे वाले समावयवता के ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं भाई, रफ करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम समावयवता की तरफ, किसी तरफ बढ़ते हैं, समावयवता की तरफ बढ़ते हैं, समझ गए, नाम तो लिखना सभी को आ गया, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे भी लिखा था आपने, क्या लिखा था भाई, जैसे इनका नाम क्या लिखा था आपने, इस तरीके से लिखा था ना, चले ठीक है, कोई बात नहीं, समावयवता की तरफ बढ़ते हैं। चलो चलो देखो, समावयवता कौन कौन सी समावयवता पा सकते हैं भाई इसके अंदर, देखना जरा, पहली जो होती है समावयवता, लिख लेना, ठीक है, समावयवता है आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। समावयवता तो सारे लोग जानते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें क्या होता है, अणु सूत्र समान परंतु दो या दो से अधिक परमाणु यौगिकों के अणु सूत्र समान परंतु रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को या इस गुण को या इस घटना को क्या कहते हैं भाई, समावयवता कहते हैं। ये सारी चीजें तो सभी ने जानते होंगे, सभी को रट्टा होगा, ठीक है, बात समझ में। अब हमें जो बात करनी है इसकी, इसके अंदर एमीन के अंदर कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है, तो पहला समावयवता जो पाई जाती है वो श्रृंखला समावयवता, क्या लिखोगे भाई, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता,
ठीक है। अब जानते हो मैंने कहा था जिसका भी नाम लोगे वही चीज क्या होगी, इससे अलग होगी, क्या होगी, अलग होगी। इसका मतलब श्रृंखला समावेशिता में क्या होगा, श्रृंखला ही अलग होगी, क्या होगी, इसके अंदर श्रृंखला अलग होगी, तो इनके अंदर पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे, एमीन में श्रृंखला श्रृंखला समावयवता पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की समावयवता में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला श्रृंखला परिवर्तित होती है, क्या होती है भाई, परिवर्तित होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या होती है, परिवर्तित होती है। एमीन के अंदर देखना तो एमीन लगा देंगे, बात खत्म, क्या हो भाई, CH क्या है, CH3 CH2 CH2 NH2 है। ठीक है, ये क्या हुआ, श्रृंखला, कितने कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन की श्रृंखला है भाई, तीन कार्बन की, कितने कार्बन की, 1 2 3 कार्बन, बस श्रृंखला परिवर्तित करना है। ये प्राथमिक एमीन है तो प्राथमिक एमीन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको सेकेंडरी एमीन करा दे, इसको उठा के इस साइड लेके चले जाए तो सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। एमीन की क्या करना है, डिग्री चेंज नहीं करनी है, यदि आपने प्राइमरी एमीन लिखा हुआ है तो प्राइमरी एमीन ही लिखोगे हमेशा समावयवता दिखाते वक्त, ये प्राइमरी एमीन होने चाहिए। तो क्या करोगे भाई, CH3 और NH2, देखो अभी प्राइमरी एमीन है, बस मैंने क्या कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, इसका एक हाइड्रोजन देखिए, इसका हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दिया, CH3 वही है, सेम है, देखो कितने कार्बन, 1 2 3 तीन कार्बन, C3 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 H9 हो गया। ठीक है, और 9 होगा, और नाइट्रोजन कितना हुआ, N हुआ। ठीक है, और सूत्र यही था, C3H9N। ठीक है, अब देखना 3 3 6 6 2 8 8 1 9 वही है, नाइट्रोजन 9 है, सॉरी हाइड्रोजन 9 है, 1 2 3 C3 है, हाइड्रोजन 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 है, नाइट्रोजन 1, देखो अणु भार वही सेम है, बस क्या हुआ है, क्या परिवर्तित हुआ, परिवर्तित हुआ है कार्बन श्रृंखला। यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन है, 1 2 ही कार्बन मिलेगा, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, पूर्व लग्न बन जाएगा, ब्रांचिंग बन जाएगी। ठीक है, बात समझ भाई, एक तो हो सकता है ये, दूसरा क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH2 NH CH3। ठीक है, और हो जाएगा, हाँ ठीक है, CH3। अब देखना, बात को ध्यान समझना, अब क्या करना है, ये सेकेंडरी एमीन है तो सेकेंडरी एमीन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि समावयवता दिखाते वक्त इसको सेकेंडरी से प्राइमरी कर दें, नहीं, प्राइमरी नहीं करना है आपको, प्राइमरी कर दोगे तो उसके अंदर अलग समावयवता, क्रियात्मक समावयवता आ जाएगी, वो अलग होती है, बात समझ में, जो चीजें है बस वही है, बस श्रृंखला बदलनी है, क्या है, ये 1 कार्बन की, ये 3 कार्बन की, बस श्रृंखला चेंज कर दो और कुछ नहीं करना है इसमें, CH3 CH CH3 NH CH3। देखो ये 1 कार्बन की, लेकिन ये कितने हो गई, 2 कार्बन की, ये 3 कार्बन की इधर थी, इधर 2 कार्बन की हो गई, बदल गया कि नहीं भाई, अणु सूत्र अभी भी सेम है, बस क्या हुआ, मैंने श्रृंखला चेंज किया, और कुछ भी चेंज नहीं किया, बस श्रृंखला चेंज करना है, जहां से गिनते हो उसको चेंज करना है, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि माइंड में लोग कर देते हैं, उसके अंदर वो समावयवता बदल जाती है, क्रियात्मक समूह समावयवता हो जाती है, वो अलग समावयवती होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, श्रृंखला समावयवता दिखाएंगे। यहां पर देखो एमीन क्या है, पहले पोजीशन पे, यहां पे भी पहले, लेकिन श्रृंखला क्या है, बदल गई है, क्या है, श्रृंखला बदल गई है, समझ गया, ये 3 कार्बन की है, 2 कार्बन की है, क्या है, 3 कार्बन की है, भी 2 कार्बन की, ठीक है, परिवर्तित हुई, तो इसे बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। ठीक है, समझ गए, बात को समझ में आ गई है बातें आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट है आपका स्थान समावयवता, क्या है भाई, स्थान समावयवता।
हो गया भाई, तो फटाक से लिखते रहिए साथ साथ मेरे, ऐसा नहीं कि आप बैठ के मजे लो, ठीक है, लिखते रहिए साथ साथ। चलिए देखिए भाई क्या होता है स्थान समावेता। देखो इसके बारे में परिभाषा तो जानते हो भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं भाई, जानते ही हो। क्या होता है भाई, किसी भी समूह या परमाणु या किसी चीज का क्या हो, समान कार्बन की श्रृंखला में, समान कार्बन की श्रृंखला में क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्थान बदल जाता है। जो भी आपका परमाणु समूह जो स्पेशल है वो उसका क्या हो जाता है, स्थान बदल जाता है। जो फीचर्स के साथ है, जो अलग है सबसे, उनकी क्या होती थी, समान कार्बन परमाणु की समान होनी चाहिए, बस किसी एक परमाणु का स्थान बदल जाना चाहिए भाई। कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, स्थान समावयवता कहते हैं। यही कहते हैं भाई, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, तो इसे कहते हैं स्थान समावयवता। तो इसके अंदर भी स्थान समावयवता होती है, बस क्या एमीन है आपका ग्रुप है, ग्रुप को क्या करते हो, चेंज करते रहो। कार्बन परमाणु की श्रृंखला जो होनी चाहिए समान होनी चाहिए, बस उसकी क्या होनी चाहिए, पोजीशन चेंज होना चाहिए। इस पोजीशन पर दूसरे पोजीशन पर, पहले पे है तो दूसरे चला जाए, दूसरे से तीसरे पे, चौथे पांच पे, ऐसे ऐसे, ठीक है, बदलता रहे। तो लिखेंगे इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की समावयवता में क्या होता है, इस प्रकार की समावयवता में समान समान कार्बन परमाणु की श्रृंखला श्रृंखला में एमीन, क्योंकि एमीन में देख रहे तो एमीन लिख सकते हैं, नहीं तो एमीन नहीं देखते, किसी रैंडमली देखते हैं। यदि हम ऐसे ही रैंडमली देखते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम किसी परमाणु या समूह लिख देते हैं, ठीक है, बात समझ में। यहाँ पर हमें पता है किसके बारे में देखना है, एमीन के बारे में, तो एमीन लिख देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो क्या लिखेंगे, श्रृंखला में एमीन समूह का, एमीन समूह का स्थान परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, समझ गए। क्या होता है, बस इनका स्थान बदलते रहो, क्या करो, स्थान बदलते रहो। देखो जैसे मैंने लिखा, यहां पे लिखा NH2, ऐसे लिख दो, उल्टा लिख देते हैं, CH3 CH2 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 NH2, ठीक है, ये पहला। अभी कहाँ जुड़ा हुआ है ये भाई, एमीन कहाँ जुड़ा, पहले जुड़ा, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन की श्रृंखला इसमें पहले जुड़ा है। अभी भी दूसरे में दिखाना है, जब समावयवता बनाओगे, स्थान समावयवता बनाओगे तो क्या करना है, कार्बन परमाणु की श्रृंखला समान रखनी चाहिए। तो पांच कार्बन है, पांच कार्बन लगा दो भाई, CH3। अब इस बार क्या कर दो, पहले पे दूसरे पे जोड़ दो, उठा के इसको उठा के इस पे जोड़ दो, तो क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके एक बंधन टूट रहे हैं, तो इसके इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि रिप्लेस करेंगे। जब इसको यहाँ पे लाना है, सभी लोग फुल हैं, इसको यहाँ पे उठा के लेके आना, तो यहाँ का उठा के वहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो होगा काम। एक्सचेंज की बात होती है, क्या होती है, एक्सचेंज, एक्सचेंज की बात जानते हो, एक को लोगे तो दूसरे को देना ही पड़ेगा उसके बदले में, ठीक है, बात समझ में। CH3 CH2 CH NH2 CH3, देखो कार्बन परमाणु कितनी श्रृंखला है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच सब कुछ सेम है, बस मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन उठाया, यहाँ पर दे दिया, और यहाँ का उठा के NH2 को यहाँ पर डाल दिया। ये क्या है, यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पर है। अभी ये मत सोच लेना ये वाला ग्रुप इससे जुड़ा, दो अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी, नहीं, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी देखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर सीधे सीधे हम नाइट्रोजन ग्रुप से देखते हैं, नाइट्रोजन से यदि एक कार्बन परमाणु जुड़ा तो इसको प्राइमरी बोलेंगे, यदि नाइट्रोजन से क्या है भाई, नाइट्रोजन से दो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन से तीन कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे टर्शियरी, 3 डिग्री, ठीक है। इस समय नाइट्रोजन से एक ही परमाणु जुड़ा हुआ है कार्बन परमाणु, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ठीक है, दोनों प्राइमरी प्राइमरी है, इसको चेंज नहीं करना, जो है वही रहेगा, ठीक है, बात समझ भाई। तीसरा क्या कर सकते हैं, इसी को तीसरा भी बना सकते हैं, एक और पोजीशन लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे ला दें, क्या करते हैं, यहाँ पे ला दें, तो क्या हो जाएगा भाई, CH3
सी एच, सॉरी यहाँ पे सी एच टू होगा, सी एच टू, सी एच, एन एच टू, फिर उसके बाद सी एच टू, सी एच थ्री। देखना देखना जरा, इसका मैंने क्या कर दिया भाई, इसका हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दिया, इसका उठा के यहाँ पे डाल दिया, हो गया सी एच टू हो गया, ये इसका कम हो गया। तो इसको बोलेंगे कौन से पोजीशन पे, एक दो तीन, तीसरे पोजीशन भी इधर चलोगे तो भी एक दो तीन तीसरे पोजीशन में, ठीक है। अब ये तीन समावयवता मिल गई, क्या हुई समावयवता बदल गई, क्या हुआ भाई स्थान बदल रहा है कि नहीं, इसमें पहला पे है, इसमें दूसरे पे, इसमें तीसरे कार्बन पे है कि नहीं, बस बात समझ में आ रही है। अब ये मत कहना, ये मत कहना कि एक और बना दे, एक उठा के इधर कर दे और दूसरा बन जाएगा, नहीं यार बिल्कुल नहीं बनेगा, जरूरी नहीं कि इधर चले, हमें तो उधर चलना है ना, नंबरिंग का सिस्टम तो जानते ही हो ना, उधर चलते जिधर से अनुलग्न पहले आ जाए या पूर्वलग्न पहले आ जाए, तो अनुलग्न है तो इधर से चल लेते हैं, इधर से इसलिए चल लेते हैं क्योंकि इधर पहले मिल जाता है पहला पे, इधर चलते थे पहले मिल जाएगा, इधर चलेंगे चौथे मिलेगा, ठीक है। इधर चलेंगे एक दो तीन, इधर चलेंगे एक दो तीन, तीनों एक समान। अब इसको उठा के इधर डाल दिए, क्या कर दे इसको उठा के यहां डाल दोगे तो एक दो दूसरे पे मिल जाए, जो कि पहले एक दो दूसरे पे मिल गया, इधर से चलो या इधर चलो बात है कि दूसरे पे नाम तो सेम आएगा ना, नाम तो सेम आएगा ना, बात समझ में आ रही ना, तो क्या हो जाएगा एक दो, इसका नाम पड़ेगा एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन का नाम है तो क्या होगा पेंट हो जाता है, पेंटेन हो जाता है, पेंटानमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटानमीन हो जाएगा, पेंटानमीन टू हो जाएगा, ये इसको इधर डाल दोगे तो ये पेंटामीन थ्री हो जाएगा, ये क्या है पेंटामीन वन है, और ये पेंटा इधर डालोगे तो पेंटामीन टू हो जाएगा, फिर से वही नाम यही वाला नाम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यही तीन इसकी समावयवता बनेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाली, क्या अरे भाई इससे ज़्यादा नहीं बनने वाली हैं, ठीक है बात समझ में आई। तो ये हुआ स्थान समावयवता, क्या हुआ स्थान समावयवता। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई, इनके इनके क्रियात्मक समूह समावयवता की बात करेंगे, किसके बात करेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता की, इसके अंदर क्रियात्मक समूह समावयवता होता है कि नहीं होता है, ठीक है बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया है, हो गया हो तो चलते हैं आगे की तरफ, क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या चीजें हैं क्रियात्मक समूह समावयवता, क्या चीज होती है, ठीक है हो गया। देखिए लिखिए तीसरा है ना भाई, तीसरा क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बात समझ भाई फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है बात समझ में आई। तो फंक्शन में क्या क्रियात्मक समूह क्या है भाई, क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, इसमें क्या होगा भाई अणु सूत्र एक समान परंतु क्रियात्मक समूह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखना इस प्रकार की समावयवता में, इस प्रकार की समावयवता में क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है भाई क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाता है, क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाता है, बात समझ में आ रही है क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाता है। देखना कैसे कैसे हो जाता है, देखना जरा इसमें एक बात ध्यान रखना, प्राइमरी का सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्सरी और टर्सरी का प्राइमरी, प्राइमरी का ऐसे बदलता रहता है, ठीक है। इसकी डिग्री चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है डिग्री चेंज, एक तरीके समझ जाओ डिग्री चेंज हो जाती है, इसी को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। कैसे देखो, जैसे कि बात करें अब यहाँ पर डिग्री चेंज कर लेना, प्राइमरी का सेकेंडरी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, एन एच टू, हो गया यही हो गया ना भाई एन एच टू, ये क्या है प्राइमरी है, प्राइमरी है। अब इसे क्या करना है, दूसरा यदि पहला है
तो दूसरा बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसका सेकेंडरी बना दो। सेकेंडरी कैसे होगा भाई, सी एस थ्री सी एच टू एन एच सी एच थ्री, हो गया बात समझ में आई, ये सेकेंडरी हो गया। इसमें देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन तीन कार्बन यानी कि सी थ्री हो गया, ठीक है। तीन दो पाँच दो सात, और सात और तीन कितना हुआ, सॉरी सात दो नौ हुआ, नौ एक हाइड्रोनाइट हो जाए, वही है सेम है, देखना जरा। और उस सूत्र क्या आया भाई, सी थ्री एच नाइन एच नाइन एन हुआ, ठीक है। इसमें देखना एक दो तीन तीन कार्बन तीन तीन छ छ और दो आठ आठ एक नौ एच नाइन होगा, एक नाइट्रोजन नौ होगा, चाहिए बात अभी सही चल रही है, ठीक है। कुछ और बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, देखो सी एस थ्री एन सी एच थ्री सी एच थ्री, इसका नाइट्रोजन उठा के इसके ऊपर डाल दिया, इधर डाल दिया, इसको बदल दिया, ठीक है। अब देखो एक दो तीन तीन कितने कार्बन भाई, तीन कार्बन बराबर है, तीन तीन छः तीन तीन के नौ बराबर है, और एक नाइट्रोजन सही है बराबर है। ये क्या हुआ भाई, सेकेंडरी हुआ, ये सेकेंडरी होता है, ये क्या होता है टर्सरी होता है, बात समझ में आ रही है, ये टर्सरी ये प्राइमरी, देखो बदल गया कि नहीं, इसमें क्रियात्मक समूह बदल गया कि नहीं, उसमें प्राइमरी क्रियात्मक समूह है, दूसरे वाले में सेकेंडरी क्रियात्मक समूह है, तीसरे वाले में थर्ड टर्सरी क्रियात्मक समूह है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरीके से कहते हैं, इसे कहते हैं क्रियात्मक समूह समावेता, बस इनकी डिग्री चेंज कर दोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एल्कोहल का फिनॉल और एल्डिहाइड का कीटोन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्या भाई ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें क्या होता है भाई, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला के सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ही चेंज कर सकते हो, वो अलग बात करेगा, ठीक है। प्राइमरी अलग तरीके से रिएक्शन दिखाती है, सेकेंडरी अलग तरीके से दिखाएगी और टर्सरी अलग दिखाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से बात करते हैं कि क्रियात्मक समूह की समावेता कि इसमें प्राइमरी का सेकेंडरी सेकेंडरी का टर्सरी हो जाता है, समझ गए बात समझ में, उल्टा भी कर सकते हो सीधा भी कर सकते हो, तो ये इनकी समूह समावेता क्रियात्मक समूह समावयवता होती है इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बात को ध्यान रखना, बात को ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार-बार कह रहा था चैन आइसोमेरिज्म में जो आपका श्रृंखला समावयवता थी उसमें मैं बार-बार यही कह रहा था कि आपको प्राइमरी का सेकेंडरी सेकेंडरी का टर्सरी नहीं करना। इसमें भी देखोगे तो क्रियात्मक समूह समावयवता के साथ साथ आपकी श्रृंखला भी बदल रही है, क्या है एक दो तीन है, यहाँ पर एक दो है, यहाँ पर देखो एक ही कार्बन श्रृंखला है, तो बदल लेगी नहीं, लेकिन इसमें श्रृंखला समावयवता नहीं होगी, क्यों, क्योंकि श्रृंखला बदलने के साथ साथ क्रियात्मक समूह बदल रहा है, तो हम क्रियात्मक समूह को पहले प्रेफर करेंगे। इसका श्रृंखला समावयवता दिखाने के लिए चैन बदल रही है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ चैन बदलनी चाहिए और कुछ बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर चैन के साथ साथ क्या हो रहा है क्रियात्मक समूह समावयवता दिखा रहा है, यानी क्रियात्मक समूह बदल रहा है, तो इसको क्रियात्मक समूह समावयवता ही कहेंगे। इसलिए मैं वहां पे कह रहा था आपको यदि प्राइमरी है चैन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावयवता दिखानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे लगाना पड़ेगा, यदि प्राइमरी है तो प्राइमरी में ही परिवर्तित करना पड़ेगा चैन आपको, ठीक है, बात समझ में आई। सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में ही परिवर्तित करना पड़ेगा चैन को, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी का सेकेंडरी को दे और कहते चैन आइसोमेरिज्म में श्रृंखला समावयवता नहीं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। तो अब हमें देखना है एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखना क्रियात्मक समूह समावयवता हो गया, अब देखना भाई चलावयवता क्या देखनी है, सॉरी मध्यावयवता, ठीक है भाई। तो क्या देखना है नेक्स्ट देखना हमें, हमें देखना है प्रकाशिक समावयवता, क्या देखना है प्रकाशिक समावयवता देखनी है, ठीक है। तो प्रकाशिक समावयवता के ऊपर चलते भाई, इसमें थोड़े से ध्यान देना आपको, क्या करना है ध्यान देना है प्रकाशिक समावयवता, ठीक है, प्रकाशिक समावयवता है तो इसमें थोड़े से ध्यान देना, चर्चा करनी है आपको, तो क्या करनी है तो लिखेंगे इस प्रकार की समावयवता, इस प्रकार की समावयवता में असममित 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 क्या बोलेंगे असममित एलके सॉरी एमीन असममित एमीन यानी कि टू डिग्री सॉरी
3 डिग्री, क्या है 3 डिग्री, 3 डिग्री और सममित एल्किन हो या 2 डिग्री या 3 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है 2 डिग्री या 3 डिग्री, ठीक है बात से असममित होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो उसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री ही आ सकते हैं और आपका 1 डिग्री का एमीन नहीं आ सकता, बात समझ में आ रही है। असममित एमीन इस प्रकार की समावयवता में असममित एमीन क्या करती है भाई, समतल ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करती है भाई, प्रकाश को क्या करती है घुमाती है, क्या करती है घुमाती, ठीक है बात समझ में आ रही है। क्या करती है इसमें रोटेशन दिखाती है, कैसे रोटेशन दिखाती है, या फिर वो एल रूप दिखा सकती है या फिर डी रूप दिखा सकती है, ये जानते हो ठीक है। असममित कहने का मतलब समझिए, असममित का मतलब होता है, असममित का मतलब असमान, क्या भाई असमान, किसमें एमीन में देखना है, एमीन में देखना है, इसका मतलब क्या है एन हुआ एच हुआ इधर हुआ आर वन इधर हुआ आर टू, देखना ये सेकेंडरी है, ये आर वन आर टू ये सेकेंडरी है, तो इसमें आर वन नॉट इक्वल टू आर टू होना चाहिए, मस्ट है, तो ये अलग हुआ ये अलग हुआ ये अलग हुआ, बात समझ में आई, ये असममित हुआ ठीक है। जैसे ये आर वन एन आर टू एन आर टू आर थ्री, तो ये क्या हुआ ये टर्शियरी हुआ, प्राइमरी में ऐसा नहीं हो सकता, प्राइमरी में असममित कभी नहीं हो सकता, क्यों एन एच टू आर हुआ। अब देखो ये अलग है ये अलग है, लेकिन दो हाइड्रोजन एक समान है कि नहीं, दो हाइड्रोजन एक समान है तो ये बोलेंगे सममित है, क्या है सममित, ये असममित, यानी कि नाइट्रोजन की तीनों संयोजकता क्या होनी चाहिए अलग अलग परमाणु या समूहों से जुड़े होने चाहिए, क्या होने चाहिए अलग अलग परमाणु या समूहों से जुड़े होने चाहिए। तो बात करते हैं भाई, यदि बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो मान चलो ये क्या हुआ मेरे पास लोन पेयर हुआ इसका, ये क्या होता है आर वन आर टू आर थ्री, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या करेगा इस पे क्या करेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश डालेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश करेंगे तो ये क्या करेगा एक तो दक्षिणावर्त घुमाएगा, इसका मान चलो ये डी डी घुमाता है तो इसका क्या करेगा मिरर इमेज डाल दो, क्या कर दो मिरर डाल दो, क्या पड़ेगा ये नाइट्रोजन ये वाली चीज इधर आ जाएगी, कुछ ऐसी बन जाएगी आर वन आर टू आर थ्री, ऐसा बन जाएगा। यदि ये क्या कर रहा है डी फॉर्म घुमा रहा है तो ये क्या करेगा एल फॉर्म घुमाएगा, क्या करेगा एल लिवोरोटेट यानी कि वामावर्त घुमाएगा, ये दक्षिणावर्त घुमा रहा है तो ये वामावर्त घुमाएगा, ये जानते हो ठीक है बात समझ में, इस तरीके से समावयवता दिखाएगा तो बोलेंगे प्रकाशिक समावयवता है उसके अंदर, समझ गए। इसको क्या करेगा ये मिरर इमेज डाल दो, इसका मिरर बना दो, मिरर इमेज कर दो और इसका क्या बन जाएगा दूसरा बन जाएगा एल रूप बन जाएगा ठीक है। यदि ये मैं कंसीडर कर रहा हूं ऐसा है नहीं कि ये डी दिखाएगा, ये एल भी दिखा सकता है, बात समझ में आ रही है, ये एल भी दिखा सकता है, बस मेरे कहने का सपोज है क्योंकि हमें पता नहीं है, हम ये जो प्रकाशित समय होता है ना बिना प्रैक्टिकल किए हम बता नहीं सकते कौन क्या करेगा, बात समझ में आ रही है ना, कौन क्या करेगा क्या कैसे घुमाता है कोई रूल नहीं उसका, बस उसका क्या है कि जो जैसा घुमाएगा उसको हम ऐसा बोलेंगे। यदि ये एल घुमाएगा एक हमें पता चल गया तो दूसरा हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, एक पता चल गया तो उसका दूसरा का बनाने के लिए यदि मान चलो ये पता चल गया भाई डी घुमा रहा है, ये डी घुमा रहा है तो इसका एल फॉर्म यदि बनाना हो तो क्या करना इसका मिरर इमेज डाल दोगे, मिरर के सामने से रख दोगे इसका स्ट्रक्चर जो उल्टा बन के आएगा, क्या करेगा उल्टा बन के आएगा वो एल फॉर्म ही होगा। अब क्या करना यदि ये एल घुमा रहा था इसका उल्टा डालोगे, इसका मिरर डालोगे, इसके ऊपर मिरर डालोगे, इमेज जो बनेगा मिरर इमेज आएगी वो डी फॉर्म आ जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो ये कंसीडर किए जाते कि ऐसा होगा तो ऐसा बनेगा, मैंने सपोज किया ये डी है तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो एल बना होगा, यदि एल है तो ये क्या बना होगा डी बना होगा, बात समझ में, या करके लिख सकते हो इस बात को, ऐसे भी लिख सकते हो यदि ये एल रहा होगा तो या करके लिख लेना ये क्या बना होगा डी बना रहा होगा, ठीक है बात समझ भाई। तो ये था इनकी समावयवता, क्या थी भाई इनकी अंदर ये सभी समावयवता थी जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है समावयवता इनकी
कंप्लीट हो जाती है। अब हमें जो करना है बात इनके ऊपर चर्चाएं करनी है, जो अब इनके रिएक्शंस के ऊपर चर्चा करनी है कि किस तरीके से इनकी रिएक्शंस होती है। समझ में आया नहीं भाई, ये डी और एल का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये प्रैक्टिकल है, आप डिसाइड नहीं कर सकते खुद से। सिर्फ डिसाइड किसका कर सकते हो, जब एक का पता हो, आपने एक का प्रैक्टिकल करके लाया है, दूसरे का आपको बताना है, तो आप उसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसका मिरर इमेज बनाओगे, और जो मिरर इमेज बनेगी उसे उसके ऊपर क्या करोगे और वो क्या हो जाएंगी भाई, आपका कह सकते हैं कि एल फॉर्म या डी फॉर्म उसका उल्टा बन जाएगा। ठीक है, एक और तरीका होता है मिरर इमेज बनाने का, एक तरीका एक मिरर इमेज का ये होता है। दूसरा तरीका इनांसियोमर देखना है, क्या देखना है, इनांसियोमर देखना है, इनांसियोमर देखना है, तो इनको उठाओ, समझते रहना दिमाग को, सोचते रहना क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने उठाया और उठा के मैंने इसके ऊपर चिपका दिया, चिपकेगा क्या, चिपकेगा क्या भाई, नहीं चिपकेगा ना, चिपकेगा नहीं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों क्या है भाई, ये दोनों आपका असममित है। क्या है, असममित यानी प्रकाशिक समावेशता दिखाएंगी। ठीक है, मिरर इमेज डालने के बाद कुछ ऐसी इमेज होती हैं असममित आपको दिखता है, असममित दिखता है, जैसे यहाँ पर असममित तीनों देखो, एक तीनों क्या है, अलग अलग हैं, असममित इसी कहते हैं। तो लेकिन असममित होने के बावजूद क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रकाशिक समावेशता नहीं दिखाते। क्यों, क्योंकि वो ऐसे उठा कर लेके आओगे, ऐसे फिल करोगे, तो क्या होता है भाई, दोनों यदि सुपर इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोज का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे के ऊपर चुपचाप बैठ गए, ये हाथ का पंजा है मान के चलो, ये हाथ का पंजा है, अब ये बन गया क्या, ऐसा बनेगा, तो आपके मिरर इमेज जो आएगी वो उल्टा आती है, क्या आती है भाई, उल्टा आती है, मिरर इमेज उल्टी आती है ना, बस उस इमेज को उठाना, ऐसे उठा के इसके ऊपर ऐसे बैठा देना, क्या बैठ रहा है, ये बैठ रहा है नहीं ना, देखो ये अलग हुआ कि नहीं, ये अलग हुआ, तो इसका मतलब कह सकते हैं ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। सुपर इम्पोज का मतलब ये ऐसे है, उठा के ऐसे डाल दिया और ये चिपका जहाँ पर जो है वो बैठ गया, देखो सुपर इम्पोज, इसको कहते हैं सुपर इम्पोज कहते हैं, बात समझ में आई, तो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, जो सुपर इम्पोज नहीं होता है उसे बोलते हैं इनांसियोमर, और जो सुपर इम्पोज हो जाता है उसे बोलते हैं डायस्टेरियोमर, क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में, जो डायस्टेरियोमर होते हैं वो आपका प्रकाशित समावेशता नहीं दिखाते हैं, और जो इनांसियोमर होते हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इनांसियोमर ही आएगा, उठा के ऐसे इसको देखो, समझो उठाया मैंने इसको, फिल किया, तो ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, देखो इधर वाला ये हिस्सा है, इधर वाला, यदि इसको मैं ऐसे उठा कर, ऐसे नहीं डालना है, ऐसे नहीं उठाना कि यहां से उठाया इसको रख दिया ऐसे, उठा के ऐसे फिल कर दिए, तो ये वाला उसके पास चुपचाप बैठ जाएगा, नहीं उठाना है पूरा, ऐसे उठाना है, ऐसे ले जाके चिपका दे ऐसे, समझ में आ रही बात ना, इस तरीके से काम करने हैं, इस तरीके से काम करने हैं। यदि आपने 11 में पढ़ा होगा तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझाया गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई, अब आगे जो आएंगे वो रिएक्शंस के ऊपर आएंगे, किस किस तरीके से इनका एमिन का रिएक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और भाई थैंक यू।